एनसीबी के सामने सारा ने खोला राज, बताई सुशांत से ब्रेकअप की वजह। रिलेशन में थे सारा सुशांत थे ड्रग के आदि। सारा ने एनसीबी के सामने खोला राज। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रडार पर है। एक व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद उन पर ड्रग्स का सेवन और लेन देन का आरोप लगा है। इस सिलसिले में शनिवार को एनसीबी ने सारा अली खान से पूछताछ की और उनको एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया था। इस दौरान उन्होंने ड्रग्स के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी ढेर सारे खुलासे किए थे। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स एंगल पर सारा अली खान से घंटों पूछताछ की थी। इस दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वह सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही थी। साथ ही सारा अली खान ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनका दिवंगत अभिनेता के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिनेत्री ने कहा कि सुशांत उनके साथ अपने रिश्ते को लेकर वफादार नहीं थे। सारा अली खान ने कहा सुशांत सिंह राजपूत अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी पॉजिटिव रहा करते थे। वह चाहते थे कि मैं अपने फिल्म मेकर को इस बात के लिए राजी करूं कि मेरी अगली फिल्म में वो सुशांत सिंह राजपूत को ही साइन करें। इसके अलावा सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते के बारे में और भी कई ढेर सारी बातें बताई। वहीं एनसीबी ने पूछताछ के दौरान सारा अली खान ने ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ सिगरेट पीने की बात को कबूल किया। सारा ने रिया के उस आरोप को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सारा ने फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग्स का हाई डोज लिया था। सारा अली खान ने कहा फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत के साथ सिर्फ सिगरेट पी थी। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड वाली पार्टी में बोचमैन ने भी सारा अली खान और सुशांत के द्वारा गांजा लेने की बात कही थी। एनसीबी ने सारा अली खान का बयान लिखित रूप में दर्ज किया है। आपको बता दें कि एनसीबी ने 26 सितंबर को एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के अलावा दीपिका पादुकोण सारा अली खान को भी बुलाया था। बीते रोज रकुलप्रीत सिंह से भी पूछताछ हुई थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग के मामले में धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह देखने वाली बात होगी कि आगे इस केस में क्या होता है और क्या सच्चाई खुलकर सामने आती है। पंजाब की हिस्ट्री ग्रुप नई दिल्ली।